हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त कनिका। कैसे हैं आप लोग? तो इस लॉकडाउन का मैं भरपूर उपयोग कर रही हूं, फ्री टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर रही हूं। और आपको मैं अभी दिखा रही हूं अपनी बालकनी की ये वॉल थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, इसके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसका मैं मेकओवर करने जा रही हूँ। मैंने सोचा आज का दिन संडे का दिन है और अच्छे से इसका उपयोग करना चाहिए। तो एवरी डे संडे इन लॉकडाउन, तो गाइस हर दिन का यूटिलाइजेशन करिए, घर में नई नई पकवान बनाइए, अच्छे से बच्चों के साथ समय व्यतीत करिए, बुज़ुर्ग हैं आपके घर में उनके साथ आप बैठिए, गप्पे मारिए, लूडो खेलिए, इंडोर गेम्स खेलिए, बहुत कुछ ऐसा है जो आप कर सकते हैं। तो ये मैं अपनी करंट लुक आपको अपनी वॉल का दिखा रही हूँ और इसका हम आज करेंगे मेकओवर। ये मेरे बेडरूम से बिल्कुल लगी हुई वॉल है और यहाँ पे काफ़ी कुछ ऐसा है जो हो सकता है लेकिन कभी सोचा नहीं करने का। आई हैव 3 बालकनीज, तो गाइज एक एक करके मैं सबको एक नया लुक देने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कर पाऊँ। अब बात है लॉकडाउन की, बहुत कुछ अवेलेबल नहीं है, पेंट्स आप परचेज़ नहीं कर सकते हैं, तो जो एक्रेलिक कलर घर में है मैं उसके साथ ही इस वॉल का मेकओवर करूँगी। तो प्लीज़ ये देखिएगा और बताइएगा। सबसे पहले मैंने इस वॉल पे ये एक जो मुझे ड्राइंग करनी है उसको ड्रॉ कर लिया है पेंसिल का यूज़ करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कीले भी लगी हुई हैं, मैं उनको निकाल नहीं रही हूँ। अगर मैं इनको निकालूंगी तो ये वॉल काफ़ी ख़राब हो जाएगी, तो मैं इसके लिए कुछ बाद में करूँगी लेकिन अभी मैं इसको नहीं रिमूव कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेंसिल टाइप ड्रॉ कर लिया है कि मुझे क्या बनाना है, एक ओवरऑल लुक पता चल जाना चाहिए कि आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक राजस्थानी झरोखा बोलते हैं जिसको, वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक वॉल जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड आपको ऑलरेडी दिख रही है, तो यहाँ पे ड्राइंग करना थोड़ा टफ हुआ मेरे लिए, बट मैंने मैनेज कर लिया, इसको 3D लुक दिया ताकि बाहर से जो लोग निकले उनको भी ये अच्छा लगे और अंदर से भी ये डिज़ाइन अच्छा लगे देखने के बाद। तो आप भी इस प्रकार से वॉल पर अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब बारी आती है पेंटिंग की, तो मैं यहाँ पे जो मैंने कलर्स चूज़ किए हैं वो है ब्लू एंड पिंक। और प्लीज़ डोंट माइंड ये जो कैमरा शेक हो रहा है, ये मेरा बेटे ने होल्ड किया हुआ है और वो इसको काफ़ी शेक करा रहा है। और यहाँ पे मैं ब्लू कलर का यूज़ कर रही हूँ और अच्छा लगता है, बहुत शांति मिल रही है, लॉकडाउन है, देखिए हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम सुहाना हो गया है और बालकनी में खड़े होकर हवा का तरोताज़ा हो रही हूँ और पेंटिंग भी कर रही हूँ। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है पेंटिंग करने से आपका माइंड भी एकदम रिलैक्स हो जाता है, आप पीसफुल फील करने लगते हो अंदर से, तो मैं तो बहुत इंजॉय कर रही हूँ। बारिश का भी मौसम हो गया है और हवा बहुत अच्छी चल रही है और इसी के साथ मैंने एक टी ब्रेक ले लिया है। थोड़ा बहुत मेरा काम हो गया है और अभी बहुत कुछ बाकी है, सिर्फ हम इस अब वॉल का मेकओवर अभी आपको दिखाएंगे और बाकी बालकनी में जो भी मैं चेंजेस करूँगी उसको मैं सेकेंड पार्ट में डालूँगी, तो वो वीडियो भी आप देखना मिस मत करिएगा। अभी तो सिर्फ हम वॉल का ही मेकओवर कर रहे हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है मौसम, कोयल बोल रही है, मोर बोल रहे हैं, एंड आई एम लविंग दिस क्लाइमेट। और मुझे लगता है इंद्र देवता ज़्यादा ही मेहरबान है। राजस्थान में अगर आप देखें तो ब्लू कलर का यूज़ बहुत होता है पोट्रीज़ में और उनके झरोखे में, ब्लू यूज़ होना बहुत अच्छा लगता है, सूदिंग लगता है, तो वहीं पे मैं इसको ध्यान में रख के कलर यूज़ किया है। हमारा झरोखा बनके तैयार हो गया है, मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है, इस वॉल को कम्प्लीटली एक नया लुक मिल चुका है। अभी आगे हमारा लुक बाकी है, तो वॉल पे हम एक स्टेंसिल बनाने जा रहे हैं। तो स्टेंसिल बनाने के लिए मैंने अपने बेटे की ये कवर बुक
का जो कवर था वो निकाल लिया है, ये करीब 2 साल पुरानी उसकी बुक है और इसको मैंने इस तरीके से मोड़ लिया है। आप किसी भी हार्ड पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपको बनाना है उसको इसके ऊपर अच्छे से बना लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट बनाइए, ताकि जो आप जब अपनी वॉल पे इसका यूज़ करें तो वो डिज़ाइन आपका बहुत ही परफेक्ट निकल के आए। जैसा कि आपने पहले देखा था, मैंने पेपर को फोल्ड कर दिया था, जो मेरा ये हार्ड कवर था। इससे मेरे 2 स्टेंसिल रेडी हो गए हैं, तो एक स्टेंसिल मेन स्टेंसिल होगा और एक बैकअप में, क्योंकि कई बार पेपर गलने लग जाता है, मुश्किल आने लगती है, तो इसलिए मैं ये बैकअप रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं स्टेंसिल से मार्किंग कर रही हूँ कि मुझे एक्चुअली कहाँ कहाँ पे इस स्टेंसिल का यूज़ करना है, जो मेरा डिज़ाइन होगा वो मैं कहाँ कहाँ बनाऊँगी, तो उसका मैं पेंसिल से मार्क कर रही हूँ। आप भी इस प्रकार से कर सकते हैं। मार्किंग के बाद अब हमारी बारी है पेंट करने की। वैसे तो आप इसको स्पॉन्ज से अगर पेंट करें, स्पंज से अगर फिल करें, बहुत अच्छे से फिल होता है। अब लॉकडाउन है, मैं स्पंज नहीं परचेज कर सकती हूँ, घर में भी अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे पेंट ब्रश का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन बहुत ध्यान से इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एग्जैक्ट लुक रेडी हो गया है, और हमारे स्टेंसिल का भी यूज़ हो चुका है और हमारा झरोखा भी एकदम रेडी है। अब बात है बालकनी की, तो इसको मैं रेडी करूँगी और आपके साथ सेकंड वीडियो में शेयर करूँगी। तो ये था हमारा आज वॉल मेकओवर DIY। आपको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके ज़रूर बताएं।